नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम बात करेंगे डिंग कपल्स की। ये शब्द भले ही आज आपके लिए नया हो, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी दुनिया में जाल की तरह फैलने वाला है, जिसकी वजह से कई देशों की सरकारें परेशान हैं। अब जान लीजिए कि डिंक आखिर है क्या। डिंक यानी कि ड्यूअल इनकम विथ नो किड्स। ऐसे कपल्स जिनको शादी तो करनी है लेकिन बच्चे नहीं पैदा करने, जीवन में सब कुछ करना है लेकिन विदाउट बच्चे। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे कपल्स जिसमें उनका पूरा फोकस करियर और खुद की खुशी पर होता है, मतलब वो अपने आप को जिंदगी भर फ्री रखना चाहते हैं। इसमें बच्चे की जिम्मेदारी उनकी फ्रीडम में एक बाधा बन सकती है, इसीलिए वो बच्चे नहीं चाहते। ऐसे कपल्स को डिंग कपल कहा जाता है। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें कपल्स को बच्चों को लेकर किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। वो जो भी कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करते हैं या फिर उस पैसे को सेव करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड काफ़ी तेजी से बढ़ा है और आज की तारीख में कई कपल्स इसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें अपने शौक पूरा करने या खुलकर जीने का मौका मिलता है। मैरिड कपल अब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, वो ताउम्र ऐसे ही फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ही कपल्स के लिए टर्म यूज किया गया है जिसको कहते हैं डिंग्स, ड्यूअल इनकम नो किड्स, यानी कि दोनों कमाएंगे और उड़ाएंगे लेकिन बच्चों पर अपनी एनर्जी नहीं गंवाएंगे। आपको याद होगा कि हमारे माँ बाप या दादा दादी हमेशा ये कहते थे कि शादी सही उम्र में कर लेनी चाहिए। ऐसा पति पत्नी की हेल्थ को ध्यान में रख कर कहा जाता था, ताकि वक्त पर बच्चे हो जाएं तो पालन पोषण में दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों की सोच बदलती गई। आजकल की जेनरेशन सही उम्र नहीं, सही करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। पहले उम्र देखकर शादी होती थी, अब करियर में सेटल होने के बाद शादी होती है। फिर वक्त बदला और अब कपल्स शादी होने के बाद बच्चे करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते। आजकल ज़्यादातर कपल्स शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। हालांकि घर के बड़े बुजुर्गों को आज की जनरेशन का ये लाइफस्टाइल समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस तरह के कपल यानी कि डिंग कपल्स का समाज में काफ़ी विरोध भी हो रहा है। कई कंट्रीज़ में इस ट्रेंड को लेकर गवर्नमेंट परेशान है। अमेरिका में जहां साल 2012 में सिर्फ 7% चाइल्डलेस होम्स थे, आज वो बढ़कर 43 हो गए हैं, जिसकी वजह से देश में एडल्ट्स यानी कि बड़े बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और यंगस्टर्स की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 44 कपल्स को बच्चे नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आने वाले समय में चाइना में भी गंभीर जनसंख्यिकी संकट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लोगों को चाइल्ड फ्री लाइफ चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में चाइना में लो फर्टिलिटी रेट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है। लो बर्थ रेट की एक वजह है लो मैरिज रेट। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए लोग यहाँ शादी नहीं करना चाहते। सिर्फ चाइना ही नहीं, एशिया और यूरोप में ये आजकल की बढ़ती प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा डिंग और लो फर्टिलिटी रेट जैसी चीज़ों से गुजर रहा है। यही वजह है कि साउथ कोरिया में यंगस्टर्स कम और एडल्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। साल 2021 में इस देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 0.81 था, जो कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे कम था। लेकिन साल 2022 में ये और घटकर 0.78 पर पहुंच गया, जिसके बाद कोरिया दुनिया की सबसे कम बर्थ रेट वाली कंट्री बन गई। दिन ब दिन घटते रेट की वजह से यहाँ की सरकार खासी परेशान है।
इसकी कई वजहें हैं। पहली, इससे साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। दूसरी, कंपनियों में काम करने के लिए लोग कम पड़ेंगे। तीसरी, चीजों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। चौथा, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री में जाने के लिए जब यंग जनरेशन ही नहीं रहेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी। पांचवी, स्कूल कॉलेज कम एडमिशन की वजह से लॉस में जाएंगे। छठा, बाहरी लोगों को देश में बुलाने की जरूरत महसूस होगी। सातवां, बूढ़े होने पर आपकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट इससे निपटने के लिए कई कोशिशें कर रही है, जैसे कि मंथली अलाउंसेस को ट्रिपल कर दिया है, मॉर्गेज इंटरेस्ट को कम कर दिया है, नई पॉलिसी बना दी है ताकि लोग और बच्चे पैदा करें। कोरिया की पॉपुलेशन 51.7 मिलियन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2072 तक कोरिया की पॉपुलेशन 36.2 मिलियन रह जाएगी। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्सेसिव कंपटीशन, हाई प्राइसेस, यही वजह है कि लोग अब डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर चाइल्डलेस कपल्स और डिंग कपल्स के कई वीडियो पर खुद एलन मस्क ने लिखा, ऑफुल मोरालिटी टू दोज हु डेलिबरेटली हैव नो किड्स। अब समझ आया कि डिंक होने के फायदे तो हैं, लेकिन देश के लिए ये कितना नुकसानदेह है। डिंक कपल्स अब ट्रेडिशनल सोच से अलग हटकर खुद के बारे में सोचते हैं। अब समझिए डिंक कपल्स होने के फायदे। डिंक कपल्स अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे कपल्स को एक दूसरे को अच्छी तरह समझने में भी हेल्प मिलती है। नई चीजों को सीखने से खुद को ज्यादा बेहतर इंसान बनाने में मदद मिलती है। ऐसे कपल अक्सर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। डिंग कपल्स लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। रहने के लिए कम जगह चाहिए होती है, जिससे पैसों की बचत होती है। ऐसे कपल्स का कम चीजों में काम चल जाता है। जब ये कैलकुलेशन निकाला गया कि नॉर्मल कपल या डिंग कपल में अप्रॉक्स कितने पैसों का डिफरेंस है, तो पाया गया कि एक एवरेज मिडिल क्लास कपल एक बच्चे को 18 साल की उम्र तक बड़ा करने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। कैन यू बिलीव दैट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेंड में सिर्फ डिंग कपल्स ही नहीं बल्कि दो और चीजें हैं जिनकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक है डिंकवाड, जिसका मतलब है डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। दूसरा है डिंकवा, जिसका मतलब है डबल इनकम नो किड्स विद अ हाउस। आई होप जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। डिंक कपल्स क्या होते हैं, इनके फायदे और नुकसान हैं, और क्यों ये देश के लिए खतरा बन सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हमने दे दी। इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।